ब्रेन बायपास सर्जरी ही जगातील दुर्मिळ आणि अतिशय क्लिष्ट समजली जाणारी शस्त्रक्रिया सिद्धगिरी हॉस्पिटलमध्ये यशस्वी करण्यात आली आहे. सिद्धगिरी मठाचे अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी यांनी पत्रकार बैठकीत ही माहिती दिली. श्री क्षेत्र सिद्धगिरी मठ संचलित सिद्धगिरी हॉस्पिटलमधील डॉक्टरने मेंदूच्या रक्तवाहिन्यांचा सर्वात मोठा फुगा असणाऱ्या रुग्णावर ब्रेन सर्जरी करून जीवदान दिले. अतिशय क्लिष्ट आणि जगातील दुर्मिळ समजली जाणारी ही अवघड शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्यानं सिद्धगिरीच्या लौकिकात भर पडली आहे. या यशस्वी शस्त्रक्रियेमुळे मेंदूवरील अशा पद्धतीच्या शस्त्रक्रियेची सुविधा असणाऱ्या भारताच्या ग्रामीण भागातील मोजक्या 8 रुग्णालयांमध्ये सिद्धगिरी हॉस्पिटल अव्वल ठरलं असल्याचं न्यूरोसर्जन डॉक्टर शिवशंकर मरजक्के यांनी सांगितलं. कर्नाटक राज्यातील ज्या महिला रुग्णावर ही शस्त्रक्रिया यशस्वी करण्यात आली त्यांच्यावर बेंगलोरपर्यंतच्या अनेक रुग्णालयांनी शस्त्रक्रिया करण्यासाठी असमर्थता दर्शवली होती. मात्र सिद्धगिरीच्या टीमनं हे आव्हान स्वीकारत तब्बल 11 तासांची ही शस्त्रक्रिया यशस्वी केली. ब्रेन का बायपास होता है जहाँ हाथ की खून की नस निकाल के गले के जो मेन खून की नस जो ब्रेन को सप्लाई करता है यहाँ से लेकर ब्रेन में जोड़ना पड़ता है स्किन के नीचे से, और ये जो फुगौटी के अंदर जो खून जा रहा है उसको बंद करना पड़ता है ब्रेन की तरफ से और अंदर से. तो ऐसा बहुत कम सेंटर्स है इंडिया में, शायद 6-7 सेंटर्स हैं, और भारत का ये एकमेव ग्रामीण विभाग में रह के चैरिटेबल बेसिस पे ट्रीटमेंट देने वाला अपना कनेरी मठ एक ही अस्पताल है. और इस ऑपरेशन हम चैलेंज के साथ आगे गए क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, और आप सब जानते हैं कि अपना अस्पताल जो मल्टीफिटी है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है, तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग रेयर और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन थी जिसको ऑलमोस्ट एक 10-11 घंटा लगा संपन्न होने में, और ये सर्जरी हो गई जहाँ बाईपास हो गया और जो फुगौटी थी उसको कम्प्लीटली बंद किया गया, और अभी पेशेंट 1 महीना हुआ है, पेशेंट परफेक्टली फाइन है. रुग्णाच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून माफक दरात ही शस्त्रक्रिया यशस्वी करण्यात आली असल्याचं अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी यांनी सांगितलं. गरजू रुग्णांनी सिद्धगिरीमधील अत्याधुनिक पण माफक दरात उपलब्ध उपचारांचा लाभ घ्यावा असं आवाहन त्यांनी केलं. पत्रकार बैठकीला भूलतज्ज्ञ डॉक्टर प्रकाश भरमगोंडर यांच्यासह अन्य डॉक्टर उपस्थित होते.